नमस्कार भक्तों, झारखंड के देवघर से बहुत ही बड़ी खबर कांवड़ यात्रा 2021 को लेकर। शिवलायों में शिव भक्तों का लगेगा तांता, बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम में बोलबम की रहेगी गूंज। पूरी तरीके से तैयार है झारखंड कांवड़ यात्रा 2021 कराने को। तो कौन कौन से नियम हैं, कैसे होगी कांवड़ यात्रा, कैसे लगेगा श्रावण मेला, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। अगर आप शिव के भक्त हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब आपको देते हैं पूरी जानकारी। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों का तांता लगने वाला है। पूरी तरीके से तैयार है झारखंड। यहाँ के रावणेश्वर ज्योतिष लिंग को शिव मंदिर के दृश्य ज्योतिष लिंगों में सर्वाधिक महिमा मंडित माना जाता है। इस साल सावन महीने के पहले दिन बिहार और झारखंड के सभी शिवालयों बोलबम के नारे से गूंजने लगेंगे। पवित्र सावन माह के प्रारंभ होते ही शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों का तांता लगने वाला है। यहां पर पूरी तरीके से सब तैयार हो चुका है। यहां के रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव मंदिर के दृश्य ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक महामंडितता माना जाता है। झारखंड के देवघर जिला स्थित बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे। भक्त सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर करीब 105 किलोमीटर पैदल लंबी यात्रा कर कांवड़िये बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। यहां भक्त कामना लिंग का जल अभिषेक करते हैं। इसके बाद यहां भक्तों ने जल अभिषेक शुरू किया, जो अभी भी बदस्तूर है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी सावन माह के मौके पर होने वाले शनिवार की कामना लिंग की पूजा की और बिहार झारखंड की सीमा पर दुम्मा में सावन मेले का उद्घाटन भी करने की ठानी है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेले में लोगों के आने की अपील भी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देवघर में पवित्र श्रावणी मेले का शुभारंभ होने वाला है। मैंने बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना की है कि किस्मत देशवासियों के जीवन में खुशहाली और भाईचारे के साथ प्रगति और विकास हो। मैं सभी देशवासियों से देवघर आने की अपील करता हूँ, वो यहाँ आए और बाबा पर जल अर्पण कर पूर्ण के भागी बने। मान्यता है कि कामना लिंग पर सावन महीने में जल अभिषेक करने से भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देवघर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांवड़ियों की भीड़ जुटने लगी है। कांवड़िया यहां पहुंचकर बाबा का जल अभिषेक करने लगे हैं। भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे 2021 में, क्योंकि 2020 में कांवड़ यात्रा को पूरी तरीके से पूरे देश में स्थगित कर दिया गया था। तो भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 की देवघर से ये थी बड़ी खबर। जी हाँ, झारखंड पूरी तरीके से तैयार है और वहाँ पर लगा हुआ लॉकडाउन भी अब पूरी तरीके से हट चुका है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे आप ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।